सहारनपुर में एसएसपी के निर्देशानुसार जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बेहट पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता शबाना पत्नी असलम निवासी ग्राम पथरा थाना बेहट को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम अवैध स्मैक व 4,220 रुपये भी बरामद किए हैं। सहारनपुर महानगर के वार्ड 28 खान आलमपुरा में पीने का पानी न आने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद आसिफ अंसारी व वार्डवासी सलीम अहमद ने बताया कि 3-4 दिन से पीने का पानी न आने के कारण क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महानगर में स्मार्ट सिटी का कार्य होने के कारण पानी की लाइन टूट गई, जिस कारण वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब स्मार्ट सिटी जहां काम कर रहा है वो नगर निगम को अवगत करा के करे, और नगर निगम की भी जिम्मेदारी उन्हें लेटर वगैरह लिख के कि जहां आप गड्ढा खोद दो वहां की लाइन तोड़ देना, कभी बिजली की लाइन तोड़ देना, कभी पानी की लाइन तोड़ देना, उससे वो क्षेत्र भी बाधित हो जाते हैं पानी से, जो स्मार्ट सिटी में ही नहीं है। इनका क्या कसूर भाई, जहाँ स्मार्ट सिटी में काम चल रहा वहां अपना जो है अपना उसे करो, जाए कोई बात नहीं। जब हमारा नंबर आएगा स्मार्ट सिटी का, वो तो जबकि बात है कि अब चलो हमारे यहाँ लाइन टूट गई, हमारे यहाँ लाइन नहीं टूटती, पानी हमारे यहाँ का बंद हो जाता है। इसके लिए कई तरह के प्रस्ताव नगर निगम में मैंने दिया, बोर्ड मीटिंग में भी दिया, उसमें वो जो है सुनने को तैयार नहीं होते निगम अधिकारी। और जलकल विभाग में हर अधिकारी के टच में हूँ लगातार कई दिन से, कि तीन आदमी से बात करो तीनों अलग की अलग बात बतावेंगे, तीनों को जानकारी नहीं होती कि समस्या क्या आएगी। हमारे यहाँ जो मेन लाइन है ये पुल से जाम खड़े हैं, 6 इंच की लाइन है यहाँ पे, और ये रोड पे टंकी लग रही, जब इसी में एक बूंदी है तो घरों में क्या आ रहा है जी। कई रोज से पानी के लिए बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम भी पानी के लिए बहुत परेशान है जी। पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सबसे नहीं पानी आ रहा, पानी 3-4 दिन हो जी, बिल्कुल पानी नहीं है जी। जरा सा भी क्या मामला, अब पता नहीं जी, ऊपर निगम से नहीं पानी आ रहा, परेशान नहीं है बिल्कुल पानी का। जरा सा कराया जी, लेकिन अब वो बेचारे वो भी इस बात के लिए कोशिश कर। सहारनपुर के वार्ड 65 में पार्षद आवास पर गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के टीकाकरण के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। आशा फुल बानो ने बताया भविष्य में होने वाली बीमारी से बचाव के लिए गर्भवती महिला व नवजात शिशु को टीकाकरण किया गया। दर्जनों गर्भवती महिलाओं व बच्चों ने टीकाकरण कैंप का फायदा उठाया। यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, प्रेग्नेंट को और बच्चों के टीके लग रहे हैं। हम गर्भवती को आयरन कैल्शियम की गोली दे रहे हैं। यहाँ से 10 टीके लग चुके हैं। कब कैंप, कब से कब तक रहेगा यहाँ पे? यहाँ 3 बजे 9 से 4 तक रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का टीकाकरण कराना, 8 बीमारी जानलेवा बीमारी से बचाना।